हिमाचल में जहां कांग्रेस की सरकार है उसके अपने ही 9 विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया। सीएम सुखविंदर सिंह का कहना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हो गई है, लेकिन सीएम का क्या कहना था पहले वो सुनिए। हमने तो व्हिप जारी कर रखा था, उनके पास तो मेजोरिटी नहीं थी, हमारा तो व्हिप जारी है। और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी, अभी भी आप गिन लेते व्हिप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं, और 25 विधायक थे, और जो विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उसके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। तो ये सब लोकसभा चुनाव की तैयारी को बता रहे हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है, विपक्ष कितना ताकतवर या विपक्ष कितना कमजोर दिख रहा है, वो भी आप देख रहे हैं कि वो अपने विधायकों तक को संभाल नहीं पा रहा। ऐसे में संगठन मजबूती का दावा कितना कारगर है वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन महाडिबेट आज किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, इस बड़ी स्क्रीन पर हम देखते हैं वो सवाल जिन पर होगी आज की महाडिबेट। यूपी से कर्नाटक तक क्यों है विपक्ष में उठा पटक, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज की डेट में जाता है। दूसरा सवाल क्या है आइए वो देख लेते हैं। चुनाव से पहले विपक्ष में आखिरकार क्यों तनाव दिख रहा है, क्यों नहीं नजर आ रहा आत्मविश्वास, तैयारियां या अपने ही लोग उसके साथ दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं। कमजोर संगठन से विपक्ष आखिरकार कैसे देगा टक्कर, तो ये है मध्य प्रदेश की महाडिबेट जिन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी वो आपने इस बड़ी स्क्रीन पर तमाम वो सवाल देखे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा है ये बड़ा झटका, बीजेपी के हर्ष महाजन ने जीत हासिल कर ली है। एक सीट पर ये चुनाव हुआ था, हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है और वहां भी आप देखिए मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार है और वहां भी सरकार अपने लोगों को बचा नहीं पाई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, कौन कौन किस पैनल में है आज उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है डॉक्टर गुलरेश शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है भूपेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार है पुष्पराज सिंह, राकेश गोयल हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और एसपी प्रवक्ता है जितेंद्र वर्मा जीतू। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, हिमाचल भी नहीं संभाल पाए आप लोग सर? हेलो जी, आऊंगी आपके पास सर, लेकिन ये बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो बताते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा है झटका, एक सीट पर चुनाव हुआ और बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हो गई है। यहां एक सीट पर चुनाव, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, और देखिए नतीजा क्या है। भूपेंद्र गुप्ता जी, इसी बड़ी खबर पर आपसे सवाल सर, हिमाचल प्रदेश में सरकार आपकी, उसके बावजूद भी हर्ष महाजन की जीत हो जाती है, आपकी पार्टी ना अपने नेताओं को बचा पा रही है ना सरकार आपकी अपने विधायकों को बचा पा रही है। सही बात आप कह रही हैं, जब जो है इतना आतंक फैल जाता है, गुंडागर्दी इतनी फैल जाती है तो ये चीजें होने लगती हैं। चंडीगढ़ में आपने देखा है कि कितने प्यार से उन्होंने जो है हार्ट बैलेट डिस्क्वालीफाई किए और चुनाव जीत कर घोषणा कर दी, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। ये जो है ये कितने खुशी की बात है, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है कि देश में इस तरह से दम तोड़ रहा है, लोकतंत्र ऐसे मर रहा है, तो कितनी खुशी की बात है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए जो है ये आश्चर्य की बात है। तो देश में ये सब चीजें घट रही हैं, खुली आंख से लोग देख रहे हैं, एक जगह नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर जगह जरूरत पड़ रही है विश्वगुरु जी को तोड़ने की, फोड़ने की। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी इतना भी कॉन्फिडेंस और नहीं बचा है, इतना आत्मविश्वास नहीं बचा है कि अपने मतों के दम पर जो है चुनाव लड़ सकें, और इसमें जो है कितनी खुशी की बात है ये। भूपेंद्र गुप्ता जी, अगर वो तोड़ रहे हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं बचा पा रही है? चंडीगढ़ में जो हुआ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया ना, लेकिन ये बताइए आप लोग क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? घर से कोई जवान बेटा निकलता है तो हर बार गलती उस बच्चे की नहीं होती है, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं ना। बड़ा सरल सवाल आपने किया है, इसका जवाब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। किसी बच्ची को किसी ने जो है कट्टा सड़क पर अड़ा दिया हो, उससे पूछिए कि अपने आप को क्यों नहीं बचा पाई, वो आपको जवाब दे देगी इसका। किसी गरीब के ऊपर जिसको जो है
जिसके ऊपर पेशाब किए हैं, उस गरीब से पूछिए क्यों नहीं बचा पाया अपने आप को, इस बात का जवाब दे देगा। ये जो है इतनी आसान बातें नहीं है, ये कि जो है हवा में बातें कर ली हो इनके उत्तर निकल आए, पूरे देश को इनके सवाल। हिमाचल में आपकी सरकार बहुमत के साथ है सर, मालूम है बहुमत के साथ, ईडी सीबीआई और सारे लोग बहुमत से ही काम कर रहे हैं, ये भी आपको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है आप, वो ये सब काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसमें क्या है, ये इसका भी एक अंत होगा, धीरेज रखिए आप। ठीक है गुलरेश शेख, जब आपके पास उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त है तो आपकी पार्टी को इस तरह का रुख अपनाने की क्या आवश्यकता है? रुख अपनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं और हम अपनाते भी नहीं है। आप ये बताइए कि मैं मध्य प्रदेश में आप बैठे हैं, गुप्ता जी भी वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आप ये इनसे पूछिए कि क्या कमलनाथ जी या उनके सहयोगियों के मुंह में, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या नूरी खान हो, क्या हमने उनके मुंह में शब्द डाले थे, या के मिश्रा से इस्तीफे की पेशकश हमने करवाई थी? ये सब इनकी आंतरिक लड़ाइयां हैं जिसकी वजह से कांग्रेस मरती है और बार बार मरती है। वहां पर भी आप हिमाचल देश में भी यदि आप देखेंगे तो सुक्कू जी का अपना ग्रुप है, वीरभद्र सिंह जी की जो वाइफ है उनका बेटा है उनका अपना गुट है, इन गुटों में आपस में नहीं बन रही है। आपने ये भी देखा था कि पूरे पांच साल, पिछले पांच सालों में राजस्थान में इनकी सरकार थी, क्या होता था अशोक गहलोत के बीच में और सचिन पायलट के बीच में किस प्रकार की बातें होती थी, कोई किसी को नकारा कहता था, कोई किसी को निकम्मा कहता था, कोई किसी पर देशद्रोह राज्यद्रोह का मुकदमा दर्ज करता था। तो ये कांग्रेस की आपस की गुटबाजियां है ना। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जो उमंग सिंगार है, दिग्विजय सिंह जी को जब मंत्री थे, वन मंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो वो सबसे बड़ा माफिया कहते थे, सर आप माफिया, तमाम किस्म का माफिया कहते थे। तो क्या हम उनके मुंह में ये शब्द डालते हैं? क्या ईडी डालती है, क्या इनकम टैक्स डालती है, क्या सीबीआई डालती है? ये इनसे पूछिए आप जी, इनसे भी पूछेंगे। लेकिन जितेंद्र वर्मा, जीतू जी, जरा आप बता दीजिए, क्या भगदड़ मची हुई है यहां पर? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पाने के लिए राजनीति के छोटे से छोटे, निचले से निचले पायदान पर जाने के लिए तैयार है। पूरे देश ही ने नहीं, पूरे दुनिया ने देखा था कि चंडीगढ़ में बैलेट से चुनाव हुआ और किस तरीके से आरओ ने 8 वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर निरस्त कर दिया। निरस्त किया तो देने ही हो गया ना भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, कैसे जिताया और कैसे पूरे देश के सामने लोकतंत्र शर्मसार हुआ, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके उस कैंडिडेट को हारा हुआ घोषित करना पड़ा। चंडीगढ़ में जो हुआ सबने देखा और सबने देखा, इसीलिए पकड़ में भी आ गया ना। लेकिन जितेंद्र वर्मा, जीतू जी, ये आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, एसपी के विधायकों में जो भगदड़ मची हुई है, बेहद करीबी जो अखिलेश यादव के थे, अगर वो तक साथ छोड़ जाएंगे तो ऐसे जीतेंगे आप चुनाव? सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो है देश को ऐसे मुहाने पर ले जाके खड़ी कर दे रही है कि हम सत्ता में आए तो इन लोगों को फांसी दे दे और ये सत्ता में आए तो हमको फांसी दे दे। ये विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। जिस तरीके से ये लोकतंत्र का दमन कर रहे हैं, जिस तरीके से विधायकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी पर पूरी मशीनरी है, ईडी है, सीबीआई है, और देख ही रहे हैं वो लोग किस तरीके से उनके प्रकोष्ठ बन के काम कर रहे हैं। उनके पास सारी मशीनरी है, लेकिन लगता है कि आपके पास, कांग्रेस के पास, इस अलायंस में जितने भी लोग हैं उनके पास वफादार सिपाही नहीं है, तभी तो आए दिन कोई ना कोई भगदड़ मची। तो बीजेपी वाले आपको ही नौकरी से हटवा देंगे, आपको पता नहीं है, शायद आप समझ नहीं पा रही हमारी बात को। चिंता मत कीजिए, आप मेरी नौकरी की, सर मेरी नौकरी की चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं, मुझे पता है कि गॉडफादर की, ठीक है, चिंता मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए, नौकरी से हटवा देंगे, कोई बात नहीं सर, है ना। तो सोच लीजिए इनकी विचारधारा कितनी खतरनाक है। रही बात मनोज पांडे की और समाजवादी पार्टी के जो विधायक है, समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर जीते थे, इनको जनता ने जिताया था, ठीक है, समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी हुई है। 3,42,00,000 वोट मिला था अभी 2022 के चुनाव में, 37.5% वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। समाजवादी पार्टी मजबूत है, जनता के दम पर है, इन विधायकों के दम पर। वही तो मैं कह रही हूँ ना, अगर एसपी की जड़ें इतनी मजबूत हैं तो साथी क्यों छिटक रहे हैं, क्यों पेड़ से उड़ जा रहे हैं? उनको भी तो ये मजबूती का एहसास होना चाहिए इतना। खैर ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं डिबेट में, और मेहमान भी है राकेश गोयल जी। पैसे से डोल जा रही है, किसी की अंतरात्मा मुकदमे से डोल जा रही है। वही कह रही ना कि अंतरात्मा संभाल नहीं पा रहे, इतनी कमजोर उनकी अंतरात्मा है। चुनाव इसका भी था, ये चुनाव इसका भी था कि दलित पिछड़ों और गरीबों के साथ कौन खड़ा है। अभी क्षेत्र में जाएंगे ये लोग, ये हारे हुए डरपोक लोग,
और धोखा देने वाले लोग, तो इनको पता लग जाएगा कि इनकी जमीनी हैसियत कितनी है। सपा के चुनाव निशान पर चुनाव जीत गए, इनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है। क्या ये ट्रेलर है टूट के गए लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए ट्रेलर क्या, मैं तो ये समझता हूँ कि जब ये कांग्रेस और सपा के जो 55-55 साल के युवा जब एक साथ गठजोड़ में आते हैं तो देश की जनता तो इनको नकारती नकारती है, जो हमने पिछले चुनाव में भी देखा, पर इनके अपनी पार्टी के नेता भी इनको नकार रहे हैं और लगातार ये हम देखते जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी लीडरशिप की कमी है और ये समाजवादी पार्टी के अंदर भी लीडरशिप की बहुत कमी है। सर आप बौखलाएं मत, आप पहले पूरी बात सुने। आपका वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2% भी नहीं रहा, लोकसभा के अंदर आपके ज्यादातर कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाली है, तो आप धैर्य रखें, धैर्य से आप बातें सुने, बातें समझे, क्योंकि आपके पास कोई रणनीति नहीं है, आपके पास कोई रणनीति नहीं है, आपके पास कोई नियत नहीं है, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप अपने अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपके अपने पार्टी के अंदर फूट पड़ी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे वक्तव्य देते हैं, उनके वक्तव्यों से नाराज होकर जो अच्छे राष्ट्रवादी नेता है वो आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। आप कब तक सच्चाई से भागेंगे? आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का जब बहिष्कार करने का समय था, जब आप मौन रहे और जिसने भी उसकी खिलाफत की आपने उनको बिल्कुल सिरे से नकार दिया। आज वही लोग हैं जो मनोज पांडे जैसे लोग जो आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और रही बात हिमाचल के अंदर प्रतिभा सिंह जी को आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। सुखू जी अपने अलग ग्रुप बना के बैठे हैं, प्रतिभा सिंह जी का अलग ग्रुप है, दोनों अपने अपने ग्रुप को चला रहे हैं। एक को राहुल गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं, एक को प्रियंका गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं। अपने ग्रुप के अंदर आपने पूरी जनता को पीस के रख दिया है और यही कारण है कि आपके ज्यादातर लोग छोड़ के जा रहे हैं आपको। ठीक है, एक और मेहमान है पुष्पराज सिंह जी। तुम बताओ ना, तुम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो ना? जीतू जी एक मिनट, मैं राष्ट्रवाद को सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी गद्दार को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी भ्रष्टाचारी को सपोर्ट नहीं करता। तुमसे बड़ा कौन हो सकता है? ठीक है शांत हो जाइए, एक और मैदान है, शांत हो जाइए। आपकी बारी थी, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। जीतू जी बड़े पाकिस्तान की चिंता है आपको, आपको जितेंद्र जी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए, जब आपकी बारी आएगी आप पूरा जवाब दीजिएगा। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। एक और मेहमान है बड़े संयम से, वो पूरी डिबेट को सुन रहे हैं, उनको डिबेट में शामिल कर लेते हैं। पुष्पराज सिंह जी सर, मैडम नहीं इतना चाहिए ना, भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, हमारा कहना इतना है। मैं सच्चाई का पक्ष रख रहा हूँ, आप सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। देश जनता के बारे अपने नेता को नकार रहे हैं। अरे आप लोग आपस में चाहिए क्या? एक मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए सर, मेरा गला वैसे ही खराब है और नहीं चला सकती हूँ मैं, शांत हो जाइए प्लीज। हाँ एक मिनट रुक जाइए आप। पुष्पराज सिंह जी, क्या ये वाकई जो आरोप लग रहे हैं कि एजेंसियों का डर है विपक्ष के नेताओं में, इसलिए वो रुख कर रहे हैं बीजेपी का, या फिर अपनी अपनी पार्टी की लीडरशिप पर अविश्वास है इसलिए वो जा रहे हैं बीजेपी के साथ? पुष्पराज सिंह जी, अविश्वास दिखाई देता है। जी हाँ, बीजेपी का जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से साफ दिखाई देता है कि 2024 में ये पूर्ण बहुमत को लाने के लिए पूरी प्रयास कर रहे हैं, साथ में राज्यसभा में भी ये पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और इसीलिए देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां जिनका आधार एक विचारधारा होती है और जनता उस विचारधारा के आधार पर उनको वोट देती है, आज कई सारे विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा उस विचारधारा को तार तार कर दिया जा रहा है और पार्टी में ये दल बदल का बहुत आम बात हो गई है। आम जनता इन सब चीजों को समझती है, लेकिन फिर भी इस तरीके से मोबिलाइजेशन करना और किसी भी तरीके से सत्ता में आना, ये कहीं ना कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब विपक्ष ही नहीं रहेगा लोकसभा में राज्यसभा में, तो किस तरीके से आप देश के मुद्दों को आगे लेके जाएंगे, किस तरीके से आप, केवल एक तरफा विकास नहीं होता, विकास के लिए एक मजबूत विपक्ष का रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और एक नागरिक के तहत, एक पत्रकार के तहत ये चीज नहीं होना चाहिए देश में। गुलरेश शेख जी, क्या यही चाहती है बीजेपी, आपकी पार्टी, कि विपक्ष बचे ही ना? नहीं, हमने ये कब कहा कि विपक्ष बचे ही ना, लेकिन
इतना है तो मेहनत करना पड़ेगी, और यदि ये मेहनत नहीं करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो इनको जिंदा रखना पॉलिटिकली ये कोई हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपनी पार्टी को जिंदा रखें, अपनी पार्टी को एक्सपांड करें। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं इनको माफ करता हूँ। क्यों माफ करता हूँ? क्योंकि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इनको मैं एक ही सुझाव दूंगा कि अखिलेश वखिलेश को कमलनाथ जी ने एक सीट दे दी, उस पर ध्यान दे, फिजूल की दो-दो की बातें कम करें। जी जितेंद्र जी जवाब दीजिए। जी देखिए, ये लोग कितना मासूम बनने का ढोंग करते हैं। मासूम नहीं है ये, 370 और 400 की बात करते हैं, लेकिन जो झटपटाहट है, जो हड़बड़ाहट है, लोकसभा में जाती हुई सत्ता को देख के घबराए हुए लोग कहीं शरद पवार की पार्टी तोड़ने लगते हैं, कई सिंधे को तोड़ लाते हैं शिवसेना से, कई नीतीश के पैरों में गिर पड़ते हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पार्टी के प्रतिनिधि, अरे कोटी चोर बोलते हैं आप लोगों को, हमारे विषय में आप बातें कर रहे हो, लेकिन आज जब इनको लग गया है कि दो विषय में ही बातें कर रहे हो, आप उस विषय में बात कर रहे हो, आपको पढ़ना है, लेकिन कोरम पूरा होता नजर नहीं आ रहा। 60% वोट मिला का बहुत है, 50 गठबंधन, सिंधी गठबंधन है इनका, वो विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा आपको एक सीटों पे मिला है, चलता है कैसे दलित पिछड़े लोगों की नौकरी छीनी है, आज भी 6900 लोग बैठे लखनऊ में सड़क पर। अगर आप देखेंगे भाजपा शासित राज्यों में राज्यों को, तो बीजेपी शासित राज्यों में दलित पिछड़े माइनोरिटीज को सरकारी नौकरियों में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है। यूपी में समाजवादी पार्टी को जिता के इनको सत्ता से बाहर करेंगे, शांत हो जाइए। बातें करते हो क्या कह रही मैडम? सर गुप्ता जी से सवाल पूछना चाहती हूँ मैं, एक थोड़ा शांत हो जाइए। भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या हिमाचल को लेकर कांग्रेस के संगठन को इस बात का एहसास ना हो पाना वो एक बड़ी वजह बन गया इस चोट की, या फिर जो कांग्रेस के अंदर वहां जो गुटबाजी है उसकी कीमत आज चुकानी पड़ी है? कोई गुटबाजी नहीं है, ये जो चिसाम दाम दंड भेद चल रहा है, सरेआम घोषणाएं हो रही है कि 370 वोट हर बूथ पर बढ़ा लेंगे, ये जो है ये मशीनों से इनकी बात हो चुकी है क्या कि 370 वोट जो है हर बूथ पर हमने को बढ़ाना है? आप कल्पना नहीं, मतदाता से हमारी बात हो रही है, बोलने दीजिए, मतदाता से हमारी बात हो चुकी है सीधी। बोल रहे जी, वो शांति सुन रहे थे ना, आप बोलने दीजिए उन्हें। जी भूपेंद्र जी, मैंने आपको ध्यान से सुना है, आप संजीदा आदमी है, गुल 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 लगा हुआ आपके उसमें फूलों जैसे मुस्कुराई। फरमाइए फरमाइए भाई साहब। आप मध्य प्रदेश में 5,62,00,000 वोट है, 5,62,00,000 वोट, 60,000 यहाँ पर बूथ है, 1,84,00,000 वोट ये एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, और 2,00,00,000 इनको वोट अभी मिले थे। 5,62,00,000 में से इनको जो है 4,00,00,000 वोट लेने का इनका बातचीत हो चुकी है, ये इन्होंने घोषणा कर दी है। ये जरा इस लोकतंत्र पर भी ध्यान दीजिए मैडम, आपकी खुशी में मैं एक नई खुशी शामिल कर रहा हूँ कि ये जो है ये जो खेल है, ये खेल और ये घोषणा, ये किस प्रयास का फल है, किस प्रयास, ये जो आत्मविश्वास नहीं है, ये लूट की योजना है, और इस लूट की योजना को किस तरह से अंजाम देंगे इस पर विचार करिए। दूसरी, इन्होंने कहा कि साहब हम अपने लोगों को संभाल नहीं पाते, बहुत आसान सा जो है ये जो आरोप हमारे ऊपर मढ़ा जाता है। आपने पुष्पराज जी की बात को ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि भारत में जो है ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। किसने नारा दिया कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत का? क्या कांग्रेस ये नारा दे नहीं सकती थी? आपकी हैसियत थी क्या? आप 2 सीटों पर डले हुए थे, लेकिन हमने आपको मौका दिया पनपने का,
आज आपका नेता ये नारा लगाता है कि जो है कांग्रेस मुक्त भारत, आप ठेकेदार हो गए भारत के। ये जो, हम ये भारत के ठेकेदार नहीं है, लेकिन लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भाजपा देश को करा देंगे, चिंता मत करो, ये तुम्हारे एक नेता कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ेगा। आप जिस समय को आने वाले हैं वहां चोरी चोरी चिकारी करना शुरू करते हैं। आप इस चक्कर में लग जाते हैं कि एक्सचेकर का पैसा कैसे अपनी जेब में डाला जाए, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है। वो कांग्रेस मुक्त भारत का अर्थ क्या है? हर बार आते हैं मीडिया पर, मुझ पर आरोप लगा देते हैं कि मेरी खुशी की चिंता उन्हें भी हो जाती है, लेकिन पुष्पराज जी जरा बता दीजिए, आप मेहनत मेहनत अगर कांग्रेस कर रही है, क्या दिख रही है क्या वो मेहनत? मंत्री 1 किलो नमक देने के बदले में वोट मांगता है। देखिए कांग्रेस की लीडरशिप में भी कहीं ना कहीं विरोधाभास हमको लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे कि ईवीएम की बात आती है कि ईवीएम जो है इसको प्रैक्टिस को लेकर राहुल गांधी जी की जो खामोशी है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाती है कि निचले लेवल पर तो आप देखेंगे नेता इसके विरोध में मुखर है, लेकिन जो अपर लीडरशिप है उसमें कुछ नहीं कहा जाता। प्लस आप देखेंगे जितने भी लोग जो पार्टी बदल के सत्ता में दल बदल का विरोध करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, उनके खिलाफ जो पुराने भ्रष्टाचार के आरोप थे वो वापस से लगातार बंद कर दिए जाते हैं। इस सब को लेकर विपक्ष किसी भी तरह की आवाज नहीं उठाता। प्लस जितने भी लोगों ने आज राज्यसभा में अभी जो क्रॉस वोटिंग करी है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था कैमरे में, अचानक से कह दिया गया कि हमने जो है विचारधारा के आधार पर दिया, तो ये ऐसी अचानक से क्या बात हो गई? तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो बहुमत के साथ साथ मैनेजमेंट के आधार पर भी जीता जाता है, और कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष का एक कमजोर मैनेजमेंट जरूर है जिसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है। राकेश गोयल जी, एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे। देखिए जब हम बात कर रहे हैं, अभी दल बदल की बात करते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता को, 2018 में राजस्थान में पूरे बसपा के 6 विधायकों को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। अभी समाजवादी पार्टी ने कुछ बसपा के अच्छे बड़े लीडर्स को अपने साथ कनेक्ट कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया, तो वो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे? जिसको जो मौका मिल रहा है वो अपने तरीके से राजनीतिक दाव खेल रहा है, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है और लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर रहा है। बाद में सिर्फ बात ये कर देते हैं कि विचारधारा हमारी मिल गई है, तो कांग्रेस भी इसे बेदाग नहीं है, और अगर सपा की बात करें तो वो भी बेदाग नहीं है। ये हम हमें सब एक जैसे हैं। दाव पे सियासत का है, जिसके भी मौका मिल रहा है वो दाव पे आजमा रहा है। जीतू जी, आप बहुत ही लालायित दिख रहे थे बोलने के लिए, बोलिए सर। देखिए समाजवादी पार्टी जनता के दम पर है, किसी विधायक के दम पर नहीं है। हाँ, अगर किसी का मन डोल रहा है तो अच्छी बात है, वो इस समय पे चला गया, कम से कम ये चेकअप हो गया कि कौन कौन पीटीए के साथ खड़ा है, कौन दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा है। 6900 बच्चे अभी भी मैडम वहां प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। ये पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट लागू होने के बाद, आयोग बनाने के बाद, रिपोर्ट देने के बाद भी उनको बच्चों को नौकरी नहीं मिली। मुख्यमंत्री के आदेश को भी ये उत्तर प्रदेश के अधिकारी नहीं मानते। क्या ये देश नहीं जानता है? आज चुनाव मुद्दों पर देश का होगा, एक राज्यसभा सीट की बात नहीं है। बात इसकी है कि भारतीय जनता पार्टी का स्तर कितने नीचे निचले स्तर तक जा सकता है चुनाव जीतने के लिए, ये सभी लोग जान रहे हैं। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। आप बताइए कि जब आप देश के साथ नहीं खड़े रहोगे, देश को विकास करने की नीतियों के साथ नहीं खड़े रहोगे, तो आपके नेता आपके साथ खड़े रहे? लोग चाहते हैं वो लोकतंत्र की हत्या, ठीक है, देश में आते हैं चाहे उस तरह से वो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का एग्जांपल नजीर खान पेश कर रहा है, जनता देख ही रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महा डिबेट में वक्त इतना ही था आज के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, और जनता देख रही है, सब कुछ समझ रही है, आज वोट देकर किसको चुनती है और उसके बाद 2 महीने बाद या 2 साल बाद वो कौन सा पाला बदल लेता है, ये भी जनता यानी कि आप सब देख रहे हैं। देखते रहिए, सचेत रहिए, और फिलहाल महा डिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी।